धरती के अलग अलग हिस्सों में जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से कुछ खास प्रजातियां ऐसी भी है जो किसी सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज में ही पाई जाती है। इनमें दुनिया के कई देशों का नाम आता है, लेकिन इन्हीं कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का नाम भी शामिल है, जहां कई ऐसे एक्सक्लूसिव एनिमल्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही देखे जा सकते हैं। क्या आप इन जानवरों के बारे में जानना चाहेंगे? तो फिर देर किस बात की, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताते हैं। नंबर वन, बारहसिंगा। इस एंडेंजर्ड स्वाम्प डियर को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में देखा जा सकता है। एक तरह से दुनिया में ये स्पॉटेड मैमल्स का होम है। इसके अलावा बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी माना जाता है। दरअसल इनके सिर पर पाए जाने वाले 12 हॉर्न की वजह से ही ये काफी फेमस है। इन सींगों की वजह से ये इतने अट्रैक्टिव लगते हैं और यही इनके शिकार का कारण भी बनता है। नंबर टू, नीलगिरी टार। भारत में कई ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ के नेटिव होते हैं और इंडिया के कई स्टेट्स में इन्हें देखा जा सकता है। इन्हीं में से नीलगिरी टार का नाम भी शामिल है। दरअसल ये इंडिया के ही तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनकी करीब 12 प्रजातियाँ पाई जाती है। जनरली इन्हें तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा केरला और सदर इंडिया के कई पार्ट्स में भी ये देखे जाते हैं। नीलगिरी टार के शरीर पर शॉर्ट कोर्स फर और सिर पर कर्व्ड हॉर्न होते हैं, जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें वेस्टर्न घाट्स का प्राइड भी माना जाता है, हालांकि ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं। नंबर थ्री, ब्लैक बक। एंटीलोप की प्रजाति में ब्लैक बक बड़ा ही अमेजिंग एनिमल है, जिसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल माना जाता है। इस प्रजाति के पास यूनिक हॉर्न्स होते हैं। खास बात यह है कि इस प्रजाति में सिर्फ मेल ब्लैक बक के पास ही हॉर्न्स होते हैं, फीमेल ब्लैक बक के पास हॉर्न्स नहीं होते हैं। मेल ब्लैक बक के हॉर्न में करीब 4 टर्न होते हैं, जिसकी वजह से इनका लुक बड़ा ही अमेजिंग हो जाता है। इसी के साथ इनका कलर भी काफी अमेजिंग होता है। यूँ तो ये ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन बढ़ती एज के साथ मेल ब्लैक बक का कलर डार्क होता जाता है। नंबर फोर, इंडियन बायसन। इंडियन बायसन को इस लिस्ट का वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स कहा जा सकता है। दरअसल स्थानीय भाषा में इन्हें गौर के नाम से भी जाना जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले 3 जनरेशन से इनकी पॉपुलेशन में काफी कमी आई है। ये गोवा और बिहार के स्टेट एनिमल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा वाइल्ड कैटल स्पीशीज में इन्हें सबसे लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है। जनरली जंगल में ये 20 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कैप्टिविटी में इनका लाइफ स्पैन करीब 25 साल तक का भी होता है। नंबर 5, स्नो लेपर्ड। ये इंडिया के हिमालयन रीजन में पाए जाने वाला एनिमल है। इन्हें दिबांग वाइल्ड सेंचुरी में बड़ी संख्या में आसानी से देखा जा सकता है। माउंटेन रीजन्स में पाए जाने के बावजूद भी ये करीब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये पहाड़ों पर छलांग भी लगा सकते हैं। आमतौर पर इंसानों के द्वारा किए गए शिकार में इनकी मौत होती है। इसके अलावा लोकल फार्मर के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इनकी जान जाती है। वहीं अगर इनके शिकार की बात की जाए तो ये वाइल्ड शीप और गोट को अपना शिकार बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रे घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, कश्मीर रेड स्टैग। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कश्मीर में पाए जाते हैं। जनरली सिंध वैली रीजन में बर्फीले रास्तों पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। खैर, इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में रखा गया है। कश्मीर रेड स्टैग को हंगुल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इन्हें सेंट्रल एशियन रेड डियर की सब स्पीशीज माना जाता है। दूसरे स्टेट एनिमल की तरह ही इन्हें जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20th सेंचुरी के आसपास जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन लगभग 5000 के करीब थी, मगर अब इनकी संख्या घटकर केवल लगभग 200 के आसपास रह गई है। ज्यादा संख्या में हो रहे इनके शिकार को इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। ये भी अपने एंटलर्स के कारण काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक अडल्ट हांगल के ज्वाइंट एंटलर्स में करीब 5 पॉइंट्स पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए करते हैं। नंबर 7, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन को इस वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कैट स्पीशीज माना जाता है और ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, जिन्हें गुजरात के गिर सेंचुरी में देखा जा सकता है। जनरली ये ग्रुप में ही रहते हैं, जिनमें लगभग 3 मेल और लगभग 1 दर्जन फीमेल्स रहती है। अफ्रीकन लायन की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि चलने के दौरान इनकी हील्स ग्राउंड को टच नहीं करती। वहीं अगर शिकार की बात की जाए तो वाइल्ड बोर और डियर्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में इनकी पॉपुलेशन लगभग डबल हुई है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो गिर नेशनल पार्क में इन्हें देख सकते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जगह इनके लिए छोटी पड़ सकती है, जिसे देखते हुए इन्हें मध्य प्रदेश के वाइल्ड सेंचुरी में शिफ्ट किया जा सकता है। नंबर 8, रेड पांडा। पांडा को उसके बिहेवियर के लिए जॉइंट पांडा के नाम से जाना जाता है। इसकी लुक की वजह से दुनिया भर में लोग इसे काफी प्यार करते हैं। यानी टेडी बियर के बाद पांडा दुनिया भर में काफी फेमस है। इसकी यूनिक कलर और नॉटी एटीट्यूड से लोग काफी अट्रैक्ट भी होते हैं, जो कि जनरली व्हाइट और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के होते हैं। पर क्या आपने कभी रेड पांडा को देखा है या उसके बारे में कभी सुना है? दरअसल इंडिया के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट एरियाज को इस क्यूट एनिमल का होम माना जाता है, जो कि पांडा से अलग और यूनिक होते हैं। नॉर्मली दिखने में ये किसी कैट की तरह लगते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इन्हें अपने घरों में भी रखना चाहते हैं। लेकिन ये महाशय तो पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50% रेड पांडास ईस्टर्न हिमालयस में पाए जाते हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और ट्री खत्म होने की वजह से इनके रहने लायक जगह नहीं बची है, जिससे इनके एक्सटिंक्शन का खतरा भी मंडरा रहा है। नंबर 9, वन हॉर्न्ड राइनो। वन हॉर्न्ड राइनो को सभी राइनोज में से लार्जेस्ट स्पीशीज के रूप में जाना जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। हालांकि अब इनके एक्सटिंक्शन के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से काफी कड़े कदम उठाए गए हैं और अब इन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखा जाता है, ताकि इस स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि ये एनिमल वन हॉर्न की वजह से ही फेमस है। इनके हॉर्न की साइज लगभग 10 से 25 इंच तक होती है, लेकिन कई बार यही इनके लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाता है, क्योंकि एशिया में इनके हॉर्न को मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इनके हॉर्न के लिए ही इनका शिकार भी किया जाता है। यूं तो इस जानवर का शरीर भारी भरकम होता है, लेकिन ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। नंबर 10, लाइन टेल मकैक। लाइन टेल मकैक एक यूनिक स्पीशीज है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के इलाकों में पाई जाती है। हालांकि इन्हें इनकी यूनिक टेल की वजह से जाना जाता है। इनकी टेल के आधार पर ही इनका नाम लाइन टेल मकैक रखा गया है, लेकिन इन्हें ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है। ये अपनी यूनिक टेल की वजह से ही फेमस है। ये अपनी टेल का इस्तेमाल बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। हालांकि इनके दांत सीजर्स की तरह काफी नुकीले और खतरनाक होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इनका इस्तेमाल फ्रूट खाने के लिए ही करते हैं। इन्हें जैक फ्रूट और वाइल्ड ड्यूरियन काफी पसंद है, लेकिन भोजन ना मिलने पर ये हरे पत्तियां भी खाते हैं। कई मामलों में तो इन्हें इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स को भी खाते हुए देखा गया है। जनरली ये 10 से 25 के ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ एक मेल मेंबर इस ग्रुप का लीडर होता है, बाकी सभी उसे फॉलो करते हैं। इंडिया के केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें बड़ी संख्या में देखा जा सकता है, लेकिन ह्यूमन इंटरैक्शन की वजह से अब जंगल में इनकी संख्या लगभग 3 से 4 हजार के आसपास ही बची रह गई है। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमल्स जो स्पेशली इंडिया में ही पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल हम लेते हैं विदा, हाजिर होंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।